तो कुल मिलाकर के 35-30 को हम लोग प्रश्न देखेंगे। इसमें बहुविकल्पी जो बोर्ड में हर साल आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, और हम लोग समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हल होते हैं और इसको कैसे हल किया जाता है। जनन आप इसमें पढ़े हैं, परागण भी इसमें पढ़े हैं आप। पुष्पों में परागण मुख्य रूप से देखेंगे तो दो ही प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जिसमें आपने बताया था कि जब पुष्प एक ही पौधे के एक ऊपर एक नीचे खिला हो तो ऊपर वाले पौधे से पराग कोष से परागकण निकल करके नीचे वाले पौधे में आ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सजात पुष्पी परागण। और सजात पुष्पी जो परागण होता है ये पर परागण और स्व परागण दोनों होता है। अनुवांशिक रूप से अगर बात करेंगे तो इसमें स्व परागण होता है, और क्रियात्मक रूप से अगर बात करते हैं तो उसमें पर परागण होता है। कल आपने पूरा इसके बारे में जिक्र किया था, आज इसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आइए, 35 को बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सब आपको याद होना चाहिए। देखो पहला प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, पहला निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, ये पहला है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, सोच समझ करके आपको बताना है कि कौन सही होगा। पहला आपका है प्रकंड, प्रकंड दूसरा आपका है चूसक, तीसरा आपका है शाखा, शाखा चौथा आपका है चल बीजाणु, चल बीजाणु। बताओ कायिक माने जानते हैं ना, जो कायिक भाग से जो जनन होता है उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपको बताना है कौन सही है, कौन सही होगा इसमें बताओ, बोलो। उसका नाम होगा शाखा, उसका नाम क्या होगा, शाखा। तो पहला का सी आपका सही है, शाखा जो होता है कायिक प्रवर्धन नहीं होता। दूसरा आ जाओ, दूसरा आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फल कुट फल है। निम्न में से कौन सा फल कुट फल है, कुट माने आभासी, याद बढ़ते आप, कौन सा कुट फल है। ए बी सी डी, पहला आम है, दूसरा नींबू है, तीसरा आपका धान है, चौथा आपका सेब है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, सेब। जल्दी लिखो दोनों, कभी दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, जल्दी से। दोनों में से कौन सा फल कुट फल होता है, कुट फल को ही हम लोग आभासी फल कहते हैं, तो आप सेब पर जरूर आप लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। लिखा गया सबका, लिखा गया दोनों, तीसरा आ जाओ। दादा बढ़िया, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है बाबू, ये नीट में या बड़े बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा जाता है, सब बहुविकल्प ही होता है, कंपटीशन में जाते भी होंगे। उसके बाद से आपके पास नेक्स्ट है भ्रूणपोष का कार्य बताइए, भ्रूणपोष का कार्य बताइए। इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। बाबू ए में आपका लिखा गया भ्रूण का बनना, सब आप पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है आपको, आप पढ़े भी होंगे। दूसरा भ्रूण को पोषण देना। देखो यही है नीट, निकल जाएगा बाबू तुमसे, निकल जाएगा, जितना मेहनत तुम लोग करते हो निसंदेह ही। लिंग का निर्धारण करना, और एक चार है इनमें से सभी, तो बहुत सिंपल सा आपका आंसर होगा भ्रूण को पोषण देना। सब लोग याद रखेंगे भ्रूण को पोषण देना, यही आपका आंसर हो गया, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है, सबको याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 के पास, चार नंबर है,
निम्न में से किस कुल के पौधों में असंग जनन द्वारा होता बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ए लिखा गया, यहाँ पर बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया। चलो बाबू बताओगे आप लोग? चलिए आपको हम विकल्प बता देते हैं। पहला आपका है एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास। बी नंबर आपका है सरसों में तो होगा ही नहीं। दूसरा आपका है साइट्रस और आम। इसमें आम में तो होता ही नहीं है, साइट्रस आम इसमें भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। पहला आपका होगा, क्या बात है, तुम लोग कौन कहता है कि नहीं। चलिए घास लगा लीजिए। एस्ट्रेसिया और घास में जो होता है बिना जनन के बीज का निर्माण हो जाता है, जरूर आप याद रखेंगे, जल्दी से आप नोट करेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ जाएं हम लोग। भ्रूणपोष क्या होता है, द्विगुणित होता है या गुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, बताएंगे आप लोग? एकदम सही बोला, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है ना उसी जाके कोशिका जुड़ता है तो त्रिगुणित होता है। क्या बात है, कमाल कर रहे हैं बारह वाले बच्चे कमाल कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है? देखना तुम्हारी किताब में सब ये दिया होगा क्वेश्चन। ए लड़की तुम्हारी किताब में सब दिया होगा, पहला पार्ट पढ़िए कि नहीं अभी, ठीक है? देखना उसमें सब दिया गया होगा क्वेश्चन, उसी में गए क्वेश्चन सब। एक आपका दिया त्रिगुणित, द्विगुणित। द्विगुणित कौन होता मालूम बा? केंद्रक वाला जो होता है ना अंडा से वो होता है द्विगुणित। दूसरा आपका होता है अगुणित। दूसरा बाबू होता है अगुणित। तीसरा होता है त्रिगुणित। चौथा आपका होता है कोई नहीं। तो कौन सा होगा बाबू? त्रिगुणित। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, त्रिगुणित। त्रिगुणित हो गया, लिख रहे सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तब इसको याद रखेंगे। प्यारा से क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के समान भ्रूणकोष के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? मिटाए इसको, चारों में मिटा रहे हैं, फटाफट लिखते चलो। 6 नंबर है द्विबीजपत्री पौधों के समान भ्रूणकोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? सब लोग बताएंगे। 4 विकल्प आपको दिए गए, ए बी सी डी। ए में कहा है 2 + 4 + 2, बी में 3 + 2 = 3, और आपका 2 + 3 + 3 है, उसके बाद 3 + 3 + 2 है। कौन इसमें विकल्प सही होगा? ये सही होगा ना जी, क्योंकि ऊपर देखना प्रतिमुख कोशिकाएं 3 होती है, बीच वाला केंद्रीय कोशिकाएं 2 होती है, और सबसे नीचे वाला फिर से 2 सहायक कोशिकाएं होती है। तो इसको लिख लो तुम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका है, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल लिख लिया ऊपर वाला, लिखा गया 5वां। चलो डाल रहे 5वां, फटाफट से लिखते चलो। बीज चोल का निर्माण होता है 7 नंबर। बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है, ए बी सी डी। ए में लिखा है पेरिकार्प से,
पेरिकार्प से, भी आपके एपिकार्प से, एपिकार्प से, एपिकार्प से, सी आपका है बीजान कवच से, बीजान कवच से, बीजान कवच से, डी आपका है न्यूसिलस से, न्यूसिलस से। तो कैसे होगा मालूम है? पेरिकार्प से, पेरिकार्प से याद करो। जब भी बीजचोल की बात करेगा तो पेरिकार्प से बीजचोल का निर्माण होता है, आप याद रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न एक आया है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं। चार विकल्प उसमें दिया गया है, आपके सामने आ रहा है। बेटा जी इसको ऊपर लिख लिया सब लोग, सातवां हो गया है ये वाला। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है, किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। ठीक है, तो विकल्प ए बी सी डी। एक आपका दिया है मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। मक्का, पुदीना, पीपल चीड़ बताएंगे आप लोग, उसका नाम होगा चीड़। इसमें बीज नहीं बनता है, बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। इसमें चीड़ में पुष्प नहीं बनता, याद रखना सब लोगों को। ठीक है, चलो। भूमिकलनी फल है, मतलब जो भूमि पर उगता है, भूमि से होता है, भूमिकलनी फल है। चार विकल्प दिए गए, ठीक है, उसको बताना है कौन है भूमिकलनी फल। चले नौवा बताएं, नौवा लिखो। नौ नंबर, भूमि कलनी फल है, भूमि कलनी फल है। ए बी सी डी। आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। आलू पर लगा लो, आलू पर भूमि के अंदर होता है आलू, भूमि मूंगफली तो हमारे भूमि कलनी माने कली के रूप में यह होता है, कली आलू में बनता है। चलिए आगे, आठ नंबर लिख लिया, नौ नंबर है जमीन पर, वही बात आकाश में थोड़े कोई रोपा जाता है, नहीं दिया। आकाश में तो कोई रोपता नहीं है, आकाश में कोई पौधा ऐसा बात करे, हमको क्या पता है, आखिर कोई पढ़ता है तभी तो बताता है। अभी से पूछा जाएगा, अभी से स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, हमको क्या। अच्छा आज माने तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ तो चलिए, वायु परागण समानता पाया जाता है, वायु परागण समानता पाया जाता है किस समय? ऑप्शन दे, जल्दी से बताना आपको। ए बी सी डी। लिली में, घासों में, यार के भासों में, मोहब्बत करने वाले के लाशों में, दिल देने वालों के विश्वासों में, रिश्तेदारों के खासों में। हाथ बताना आपको, वायु द्वारा परागण किसमें होता है? लिली में, क्या किमे वाला बताओ? घासों में। चलो ग्यारह नंबर आ जाओ, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है?
निम्न में से इसमें जल द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है, किसमें? ये आपका दिया है जलकुंभी, जलकुंभी भी आपका दिया है, कमल, सी आपका दिया है हाइड्रिला, और डी आपका दिया है बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। चलिए तो कौन सही होगा? डी वाला। दोनों में चलोगे डी पे लगे आ जाओ। अगला नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कि फ्रुक्टोज किस सेंट्रल कोशिका होती है। 12 नंबर भ्रूणकोश की, भ्रूणकोश का नाम सुने हैं ना, इसका निर्माण कैसे होता है? भ्रूणकोश की सेंट्रल माने केंद्रीय जिसको कहते हैं सेंट्रल कोशिका होती है, सेंट्रल कोशिका होती है। अब उसमें चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ये आपका है प्रारंभिक केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक। बी आपका है द्वितीय केंद्रक, सी आपका है सहायक केंद्रक, और ए और बी कौन होता मालूम है? द्वितीय केंद्रक, क्योंकि आप जानते होंगे द्वितीय केंद्रक में ही जाकर मैचिंग करता है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से मिटाएं। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी माने पुष्प कहिए चाहे एकलिंगी पौधा कहिए। बड़े लिख लेगा 10 नंबर सब लोग, देखो 10 तुम लोग याद हो गया होगा, याद एकदम कर लेना बाबू। सफर पर लिखना ठीक है, पीछे लगे सब तो खत्म हो गया। निम्न में से कौन एकलिंगी है? 13 नंबर है। कौन एकलिंगी है? कौन एकलिंगी है? ए बी सी डी। सरसों, सरसों गुड़हल, सरसों गुड़हल, पपीता। पपीता में कौन विटामिन? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा ये बताओ? हाँ एकदम सही लड़का बोला है, कोई नहीं है। टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में। मिटा दे सब भाई, आ जाओ 14 नंबर पर आ जाओ। 14 नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बताना है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है, खाया जाता है। ए बी सी डी। ए आपका लिखा गया है जायफल, जायफल, लीची, शरीफा, शरीफा, और एक आपका है इनमें से सभी। चलिए लीची होगा, तब कह लीची चूसे लो, बड़ा मजा आया चूसने। बोला क्या भाव बा लीची के रेट? आइए आगे सुनो। परागकण मुख्यतः होते हैं, मिटा दे सब लिख लिया तेरा वहां। परागकण मुख्यतः होते हैं, पराग कण मुख्यतः होते हैं। ए बी सी डी। एस्पोरोफाइट, एस्पोरोफाइट। बी आपका युग्मक, सी आपका है नर युग्मक, नर युग्मक। इनमें से कोई नहीं, कौन सही है? हाँ एकदम सही बोले। अरे तुम लोग कभी गलत बोलेंगे। 14 नंबर लिख लिए सब लोग,
जी चलो मिटा दें इसको। चलिए आ जाइए 16 नंबर पर। 16 नंबर पराग भीति होती है, पराग भीति होती है, पराग भीति होती है, एक स्तरीय ए है, बी है, सी है, डी है, एक स्तरीय, दूसरा लिखा है द्वि स्तरीय, उसके बाद से लिखा है त्रिस्तरीय, लिखा है इनमें से कोई नहीं। बोलो कहा होती है पराकर, कितने स्तरीय होते हैं? भुला गई लोग बाह्य चोल होला है, स्पोरोपोलिनिन से बना रहता है, एक अंदर वाला होता है, सेलुलोज़ पेक्टिन से बना होता है, त्रिस्तरीय होता है। जल्दी से लिखो, जल्दी से हो गया, मिटा दे। 15 नंबर कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये सब पढ़े हैं ना आप लोग, सब आपको पढ़ाया गया है, मिटा दे, ये भी लिख लिए अपने हिसाब से, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय कर लो। और देखते हो क्वेश्चन नंबर 17, पराकरण होते हैं, पराग कौन हो सकते हैं, पराग कौन हो सकते हैं, ए बी सी डी। ए आपका लिखा है गैमेटो फाइट, गैमेटो फाइट, एक लिखा है दूसरा सजावटी या एलर्जी कारक, एलर्जी कारक, एलर्जी कारक कोई नहीं, हाँ एलर्जी। चला जाओ 18 नंबर, वाई परागर समानता होता है, वाई परागर समानता होता है, ये बताना आपको किसमें होता है, ये आपको बताना है, वायु परागण समानता होता है, ए माने उन पौधों में, माने पौधा के नाम बताने जो नहीं होता होता है, आकर्षक होते हैं उसमें होता है, कि छोटे होते हैं उसमें होता है, कि रंगहीन होते हैं उसमें होता है, कि बी और सी दोनों में होता है, बी और सी कौन सही है, रंगहीन, रंगहीन आकर्षक, मतलब कीट में आकर्षित आकर बैठते हैं, कीट द्वारा नहीं होता है। जल्दी लिखो आगे, लिखना लिखा गया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ए बी सी डी। ए लिखा है चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा या वायु के द्वारा, तो वायु आपका सही होगा, वायु द्वारा होता है। विश्व आ जाओ, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा पूरा याद हो जाएगा ना आपको,
ये बताना आपको किसके द्वारा इसमें परागण होता है। पहले आपका दिया चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीड़ा। चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीड़ा। चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीड़ा। कीड़ा के द्वारा होता है, नोट कर लो, कीड़ा के द्वारा होता है। कीड़ा के द्वारा होता है, याद कर लो सब लोग जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट लिखो। एमिनो नहीं, प्रत्येक पादप कोशिका से जब पूर्ण पौधा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टोटोपिटेंसी। यहाँ पर कहते हैं 19 नंबर 20 तो गया, 21 नंबर। देखो, प्रत्येक पादप कोशिका से, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को कहते हैं। ए बी सी डी। पहला आपका है क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं। दूसरा आपका है सोमा क्लोनर। सोमा क्लोनल कहते हैं। और एक है टोटी पोटेंसी कहते हैं। टोटी पोटेंसी कहते हैं। और इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो यह हुई टोटो पोटेंसी, टोटी पोटेंसी। भाई समझ रहे हो? प्रोटोप्लास्ट कलवर पर का फ्यूजन क्या है? प्रोटो प्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? फ्यूजोजन क्या है? ए बी सी डी। तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। दूसरा आपका होता है पीईजी, पीईजी लैक्टिक अम्ल। इनमें से सभी मैंने पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तरल जो होता है कल्चर का फ्यूजोजिन क्या है, क्या कहते हैं? तो पीईजी कहते हैं, लिख लेना। और आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि कमल में परागण होता है, कमल में परागण होता है। ए बी सी डी। बता सकते हैं किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इन सभी के द्वारा। पहला आपका है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है कीट द्वारा। ये इन सभी के द्वारा किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, जल द्वारा होता है। 24,000। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से अगुणित पौधा का विकास कहलाता है, विकास कहलाता है। ए बी सी डी। ये दिया आपका इमे एस्कुलेशन, इमे एस्कुलेशन। बी आपका दिया है
पार्थी नो कार्पी, बस थोड़ा सा वेट कर लो 5 मिनट और। एंड्रो सूत्र तो देख लेना, महत्व वाला बच्चे सब लोग लिखा गया है, 8 सूत्र सब याद कर लो अभी। सोमेटिक हाइब्राइड डाइजेशन, सोमेटिक हाई ब्राइट डाइजेशन, इसमें यही सही होगा डी नंबर। ऐसे खोल के तने भरते सी होगा, आराम से खोलना। हाँ खोलो, हाँ खोलो, कस को मत खोलना, उल्टा खोल जी। लो फैन खोलो, लो हो गया। नेक्स्ट लिखो 25 नंबर, चले लिखा गया सबका 25 नंबर। आ जाओ 25 नंबर। पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं। अब इसमें ए है, बी है, सी है, डी लिखा गया है। डिक्लिनी भी आपका है। किलिस्टोगेमी, डाइकोगेमी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, चलिए विकल्प लगाइए। कोई भी आपसे कहेगा कि पुष्प किस में बंद रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये वाला सही है बी नंबर। 26 नंबर आ जाओ। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? ए बी सी डी, भलाएगा सी है। ए बी सी डी, तो ए में लिख लो आर्किगोनियम, आर्की गोनियम। बी आपका अंडप, पराग कोष। चक्कर आ रहा है तुम लोग गुरु, युग्मों को दबिद। ये वाला सही है आर की गोनियम। समांतर आवृतबीजी भ्रूण कोष होते हैं, माने जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो भ्रूण कोष होते हैं किस प्रकार के होते हैं? चलो क्या लिखा गया? 25वां 26वां आ जाओ। 27वां, समान आवृतबीजी भ्रूण कोष होते हैं, समानता है आवृत बीजी भ्रूण कोष होते हैं। ए बी सी डी, ए जो होते हैं एक कोशिकीय, द्वि कोशिकीय, 5 कोशिकीय के 7 कोशिकीय, कौन होगा बताओ? एक कोशिकीय होता है भ्रूण कोष, द्वि कोशिकीय होते हैं कि 5 कोशिकीय होते हैं, बोलो कोई, कि 7 कोशिकीय होते हैं? भ्रूण कोष कौन कोशिकीय होते हैं? 7 कोशिकीय, 8 केंद्रीय, भुला गए हो? 7 कोशिकीय, 3 को ऊपर, 2 को नीचे बना लेके, दोनों मिलके वो कोशिका बना लेना, नीचे 3 को सहायक और अंडा पाला।
मिटा दे 26वां 27 हो गया, अब 28 पर 28 आपका बीजान के वृत्त को कहते हैं, बीजान के वृत्त को कहते हैं, बीजांत के वृत्त को कहते हैं, क्यूनिकल केरनिकल ए बी सी डी। इसमें लिखा गया कि क्या कहेंगे आप इसको, प्यूरिनिकल की केरनिकल की न्यू सेल्स की पेडिसिल पेडिसिल ताकि फ्यूर भलिया फ्यूनिकल कहा जाता है इसको। 29 नंबर आ जाओ, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, बताओ किसमें, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, ए बी सी डी। बीजांड परिवर्तित होता है, दिखा रहा है इसमें कि फल में बीज में पुष्प में सभी में किसमें है, बीज में। तीसवा लिखो, निषेचन के बाद फल किससे बनता है, और इसको उतरेंगे लिखवा में सबसे। अनिश्चित जमे समांतर मिलता है, अंगूर में आम में नींबू में कि मजे किसी में, अंगूर में आम में लीची में इनमें से किसी में नहीं कहा जाए किसे मिलता अंगूर। चलो 31 बनाने दो,